संलग्न जवासोदा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हुए अनेक कार्यक्रम। यूथ कांग्रेस ने सरकार से गरीब नागरिकों को नकद राशि देने लिए की अपील। यूथ कांग्रेस ने बांटी निशक्त जनों को नकद राशि, सरकार से की अपील। यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदेश के समस्त गरीब परिवारों को कोरोना संकट से निपटने के लिए आगामी 6 माह तक 6,000 रुपए मासिक देने की अपील की। यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शर्मानी का कहना है कि गंज बसौदा विधानसभा में एक दिन के न्याय के रूप में अनेक जगह कार्यकर्ता एक दिन की न्याय राशि 200 रुपए बांटने का निर्णय लिया, जो कि अलग अलग क्षेत्र बांटकर पूरी विधानसभा में ये पुनीत कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र के काली पठार स्थित 11 परिवारों में आकाश शर्मा द्वारा न्याय राशि भेंट दी गई। संवाददाता संतोष चौबे। आप अगले 6 महीने तक हर गरीब परिवार को 6,000 रुपए दे, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरे और गरीब आशाएं परेशान ना हो, बेरोजगार ना हो और भूखा ना मरे। आज ये कितने बांटे गए लिफाफे और कहां कहां बांटे गए? जी, एक विधानसभा में 29 लिफाफे बांटने का है, जिनमें से 11 लिफाफे मैंने अपनी तरफ से बांटे हैं। बाकी आगे जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगह अपना काम कर रहे हैं, गंतव्य विभिन्न स्थानों में, और ऐसा ही हर विधानसभा, हर जिले और हर प्रदेश में हो रहा है। ऐसा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, उसकी स्मृति में यूथ कांग्रेस कर रहे हैं।